सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी कि सोशल मीडिया पर वो लोग जिनको फॉलो करते हुए आप उनकी बातों में आने लगते हैं, उनकी दिनचर्या, उनके बताए हुए नुस्खे, उनकी दी गई सलाह आप सीरियसली लेते हैं और बहुत शिद्दत से फॉलो भी करते हैं। लेकिन अब एक सवाल उभरा है कि क्या अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर लगाम लगाने का समय आ गया है? क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? दरअसल जी बिजनेस की जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर हर तरह के प्रोडक्ट बेचकर प्रमोट कर रहे हैं। अब इसमें हमने कोई एक्सक्लूसिव जांच नहीं की, ये आप सामान्य रूप से आप जाएंगे तो ये सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ट्रेंड है उससे आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा। अब इन इन्फ्लुएंसर्स ने अपने फॉलोअर्स को क्रिप्टो में भी निवेश की बेसिर पैर की सलाहें दी अभी कुछ दिन पहले। इनको ना तो एंडोर्समेंट के इनको जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको तो एंडोर्समेंट के पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं उनकी गाढ़ी कमाई डूब गई इन फॉलोअर्स की इन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके। अब आज हम ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स की ये जो हरकतें हैं या इन्फ्लुएंसर्स का ये जो नया ट्रेंड है कि आप पैसे लेकर अपने फॉलोअर्स को कोई भी सलाह दें बिना ये सोचे समझे, बिना ये जांच पड़ताल किए कि उसके असर या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आ सकते हैं, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। अंकुर वारिको, अक्षत श्रीवास्तव, पीआर सुंदर, अनीज सिंह ठाकुर, इन सब नामों में क्या समानता है? ये दरअसल सभी यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। और दूसरी बड़ी समानता ये है कि इन सभी ने अपने फॉलोअर्स को क्रिप्टो से जुड़े निवेश पर सलाह दी और फॉलोअर्स के रातों रात लाखों करोड़ों स्वाहा हो गए। ताजा मामला सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल का है जिसमें कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिप्टो ट्रेडिंग की सलाह दी थी, लेकिन रातों रात जब एक्सचेंज ने विड्रॉल्स बंद कर दिए तो निवेशकों की गाढ़ी कमाई इन इन्फ्लुएंसर्स की बात में विश्वास करके डूब गई। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स में से एक अंकुर वारिको ने तो स्वीकार भी किया कि उन्हें वॉल्ट को प्रमोट करने के लिए लगभग 4.5 लाख रुपए मिले थे, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से भरपूर मेहनत की अपने सोशल मीडिया पेजेस पर क्रिप्टो को प्रमोट करने के लिए। सिर्फ जाने माने इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों चेहरे हैं जो इन दिनों अनरेगुलेटेड सेक्टर क्रिप्टो में धड़ल्ले से निवेश की सलाह दे रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को वेल्थ क्रिएशन की सलाह देने की कोई कानूनी या रेगुलेटरी इजाजत है? दरअसल स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह देने के लिए हर निवेश सलाहकार या एक्सपर्ट को खुद को एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर सेबी रेगुलेशंस 2014 के प्रावधान के तहत रजिस्टर कराना जरूरी होता है। लेकिन क्रिप्टो तो दूर, यूट्यूब पर ऐसे फर्जी सलाहकारों की भरमार है जो बिना सेबी की अनुमति के निवेश की सलाह धड़ल्ले से देकर निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्रिप्टो के मामले में पेच ये है कि सरकार या आरबीआई दोनों की ओर से रेगुलेट नहीं किया जाता, लिहाजा इसके लिए सलाह देने वालों के खिलाफ एक आम निवेशक को रेगुलेटर्स का संरक्षण नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसे लोगों के पास उम्मीद की एक किरण है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए, जहां इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई है। सीसीपीए के अनुसार हर इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी है कि वो जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एंडोर्स कर रहा है उसका बैकग्राउंड चेक करे और अपने कहे की जिम्मेदारी ले सके। ऐसे में जब कंपनी या व्यक्ति कोई धोखाधड़ी करे तो सीसीपीए एनसीएच पर शिकायत दर्ज कराई जा सके, एक ऐसी शिकायत जिसमें इतना वजन हो कि उस पर एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना एक आम ट्रेंड है, लेकिन आप जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी बात आप सुन रहे हैं, क्या वो एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या नहीं, ये बात गौर फरमाने वाली है। क्योंकि जहां बात हो आपके हार्ड अर्न मनी की, वहां पर एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस और आपकी रिसर्च दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।